प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। आज हम वर्कशीट नंबर 59 क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी और आज हम ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे रचनात्मक लेखन में। और ग्रामर में आपके पास चार टॉपिक होने वाले हैं, चारों आपके पाँच पाँच नंबर के होंगे। इस तरीके से आपके पास टोटल 20 नंबर का ग्रामर पूछा जाएगा। तो चलिए इसी सिलसिले में आज का टॉपिक देखते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को और इसी तरह से नई नई अपडेट वीडियो लगातार आपके पास आती रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि आपके पास जो टेंथ में ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक होंगे और उनको किस तरह से आपको लिखना होगा। पहला टॉपिक रहेगा आपके पास विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्कसंगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं की आधारित समसामयिक एवं व्यावहारिक जीवन से जुड़े तीन विषयों में से एक विषय पर अनुच्छेद लेखन 80 से 100 शब्दों में। ध्यान रहे, यह अनुच्छेद लेखन है, निबंध नहीं। कई चैनल कई लोग आपको निबंध लेखन का बताएंगे, लेकिन यहाँ पर निबंध लेखन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आधा और पौने पेज में आपको इसे लिखना है। पाँच नंबर आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपको पॉइंट्स दिए होंगे, एक मेन हेडिंग होगा, मेन हेडिंग के साथ साथ छोटे छोटे आपको यहाँ पर उपविषय दिए होंगे, उन्हीं को समझ करके आपको कंप्लीट एक पैराग्राफ लिखना है ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सके। दूसरा टॉपिक रहेगा अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों पर। एक विषय पर आपको पत्र लिखना होगा, या तो औपचारिक यानी कि ऑफिशियल होगा, या अनौपचारिक या आपके रिलेटिव वगैरह को लिखना होगा। तो आराम से आप लिख सकते हैं। इसकी फॉर्मेलिटी जो भी कुछ है वो हमारे चैनल पर आपको पत्र का फॉर्मेट हो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगला टॉपिक है विषय से संबंधित 25 से 50 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन, ये दोनों आपके लिए नए हैं, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। अगर आपको विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन अच्छे से समझना है तो हमारे चैनल पर दोनों की कंप्लीट वीडियो है, प्रैक्टिस के साथ है, ज़रूर देखिए और अपनी प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी करेंगे। विज्ञापन लेखन में आपको क्या करना होगा वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको बताई है, और संदेश लेखन में आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। इसके साथ संदेश लेखन में क्या रहता है, शुभकामना, पर्व त्योहारों एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश 30 से 40 शब्दों में। तो सिंपल सा रहेगा, बड़ा लंबा चौड़ा भी नहीं होगा, सिंपल सा आपका संदेश यानी कि एक मैसेज टाइपिंग। कई हम लोगों को शुभकामना देते हैं, किसी का बर्थडे आ गया, कोई होली दिवाली आ गई, फेस्टिवल आ गया, तो इसी तरीके से यहाँ पर संदेश लेखन लिखा जाता है। लेकिन बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा तभी आपको पाँच नंबर पूरे मिलेंगे। रचनात्मक लेखन के प्रत्येक बिंदु के अभ्यास की कड़ी में हम आज विज्ञापन लेखन पर अभ्यास करेंगे कि एडवर्टाइजमेंट, अगर हम विज्ञापन की बात करें कैसे लिखना है। प्रश्न पत्र में आपको विज्ञापन लेखन के लिए दो विषय मिलेंगे, दो विज्ञापन लेखन आएंगे आपके पास। आप अपनी पसंद से कोई एक विषय चुनेंगे और 25 से 30 शब्दों का यानी कि बहुत शॉर्ट 25 से 30 शब्द बोले तो आपके दो तीन लाइन, बस दो तीन लाइन, ये कहें कि दो तीन चीज़ें ही आप वहाँ पर लिखोगे, 25 से 50 30 शब्द आपके हो जाएंगे। तो आपको बहुत भरना नहीं है, लिमिटेड आप लिखेंगे, आपका विज्ञापन लेखन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर टॉपिक देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 25 से 30 शब्दों में विज्ञापन लिखेंगे। अब आप देखें यहाँ पर आपके क्षेत्र में एक नया पब्लिक स्कूल खुला है, आपके एरिया में कोई एक पब्लिक स्कूल खुला है नया, इसके उसके लिए 25 से 50 शब्दों पर आकर्षक विज्ञापन तैयार करेंगे। तो विज्ञापन लेखन अथवा सबसे पहले यहाँ पर देख लो, अथवा भी आपकी एक ट्रैवल एजेंसी है, ट्रैवल एजेंसी है यानी कि आप लोगों को ट्रैवलिंग करवाते हैं, आप लोगों को कभी शिमला, कभी मनाली, कभी उत्तराखंड, कभी राजस्थान, तो इन जगह आप घुमाते हैं, ट्रैवल एजेंसी है। अपने ट्रैवल एजेंसी के लिए एक विज्ञापन बनाना है, एडवर्टाइजमेंट, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आएँ और आप ही के ट्रैवल एजेंसी से ट्रैवलिंग करें, तो इसके लिए अट्रैक्टिव होना चाहिए विज्ञापन लेखन। इससे पहले हम यहाँ पर एक फॉर्मेट देख लेते हैं किस तरह से होगा विज्ञापन का। उदाहरण हेलमेट का विज्ञापन है,
अब आपको क्या करना है, इन सारी बातों का वहाँ पर ध्यान रखना है। सबसे पहले देखो, धमाका आपको जरूर लिखना है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे चाहे वो भी होते हैं लाइक यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, तो वहाँ पर आपको डराया जाएगा, इस तरह से थंबनेल दिखाया जाता, तो आप उसे देखते हैं कि क्या हो गया है, ऐसा क्या हो गया है इस वीडियो में जो कि। तो यहाँ पे भी सबसे पहले आप धमाका रखेंगे, भाई 50 रुपये में हेलमेट कंपनी का, तो लोगों को लगेगा यार 50 रुपये में हेलमेट है, खरीद लेते हैं। तो सबसे पहले आप अट्रैक्टिव बनाएंगे, धमाका रखेंगे, लुभावने वाले सब, बाय टू गेट वन फ्री, बाय वन गेट टू फ्री, इस तरह से लिखेंगे तो भैया अट्रैक्टिव बनेगा ही। उसके बाद देखो, मजबूत हल्के टिकाऊ आकर्षक रंग व डिजाइन में मिलेंगे, तो आपको क्या करना है उसके गुणों के बारे में बताना है। भाई हेलमेट तो ठीक है, बाय वन गेट टू फ्री, पता लगे कि हेलमेट नहीं उसका अंदर का खोखा ही खोखा है ना। तो आपको क्वालिटी बतानी है कि हेलमेट के अंदर क्या है, आपको चोट नहीं लगेगी, आप गिर जाओगे तो आपका जो हेड है वो सेफ रहेगा, इस तरह से मतलब हेलमेट टूटेगा नहीं, ये आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे रखेंगे स्टॉक सीमित है, प्रेरक शब्द लिखेंगे कि भाई सीमित समय के लिए है ना, जल्दी देखें, वीडियो होती है जल्दी देखें, जल्दी का मतलब अभी अभी आपको देखना होगा, तो स्टॉक सीमित है भाई जल्दी खरीदें, अदरवाइज ऑफर सीमित समय के लिए। उसके बाद एक छूट भी रखेंगे कि भाई 15% की छूट है, 50% की छूट रख दो, है ना, विज्ञापन बनाना है ना, तो आपको इस तरह से अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। और महिलाओं के लिए विशेष हेलमेट भी उपलब्ध हैं, है ना, आपने देखा होगा कि महिलाओं के लिए चोटी निकालने वाला हेलमेट भी होता है, मैंने भी रखा अपनी मैडम के लिए। तो इस तरीके से आप उसे और भी अट्रैक्टिव बनाएंगे कि भाई महिलाओं के लिए स्पेशल है। आपके सिर का रखवाला रक्षक हेलमेट, ठीक है, एक बार खरीदें और संपर्क आप नंबर भी लिखें, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें कि आप अपना रियल मोबाइल नंबर कहीं भी नहीं मेंशन करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी प्राइवेसी लीक हो सकती है, आपके नंबर पे कॉल आ सकती है, तो कॉल फ़ोन नंबर कोई भी इस तरह से ना लिखें। और दूसरा देखो, यहाँ पर विज्ञापित वस्तु का नाम भी ज़रूर लिखें, यानी कि रक्षक हेलमेट। आकर्षक चित्र आपको बनाना है तो पिक्चर बनाएंगे हेलमेट का, जो भी आपको विज्ञापन लिखने के लिए आएगा। उसके बाद देखो, रियायत का उल्लेख भी आपने करा है कि भाई 25% 20% या 50% की छूट मिलेगी। तुकबंदी जैसे शब्द आप रखेंगे तो आपके सिर का रखवाला रक्षक हेलमेट, तो तुकबंदी इस तरह से आप करेंगे जो कि एक स्लोगन लिखे अट्रैक्टिव वाला हो। उसके बाद देखो, संपर्क सूत्र भी आप रखेंगे, भाई कहाँ से मिलेगा, आपकी दुकान का एड्रेस क्या है, आपके फ़ोन नंबर क्या है, तो लाइक आप फ़ोन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आप अपने को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि किस तरह से आप बनाओगे। आपके क्षेत्र में सबसे पहला काम आपको क्या करना है, बॉर्डर लाइन खींच देनी है चारों तरफ, राइट। उसके बाद आपको बनाना है पिक्चर। तो देखो, आपके क्षेत्र में नया पब्लिक स्कूल खुला है, तो आप क्या करेंगे, भाई बहुत सारे बच्चे तो बना नहीं सकते, तो आप बुक्स बना दें, या आप बुक्स पढ़ता हुआ बना दें, या एक स्कूल बना दें, पब्लिक स्कूल वहाँ पे लिख देंगे कि किसी भी कोई भी अपने नाम का ही पब्लिक स्कूल बना दे, जो भी आपका नाम है, राइट। जैसे मेरा नाम है तो आशीष पब्लिक स्कूल आप लिख दें, आरव पब्लिक स्कूल, ठीक है। उसके बाद देखो, आपको क्या करना है कि भाई आप ही के स्कूल में पढ़े, तो सबसे पहले तो आप ये लिखें कि एडमिशन ओपन और 50% छूट मिलेगी आपको, यानी कि इस तरह से मिलेंगे, सारी किताबें यहाँ पे फ्री मिलेंगी, है ना। आप लिख सकते हैं कि CBSE द्वारा प्रमाणित है, ये भी लिख देंगे आप, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलनी चाहिए। और आप ये लिखें कि भाई आपके बच्चों को कुछ इस तरीके से इतनी भाषाओं में पारंगत किया जाता है, यहाँ पर खेलकूद के लिए भी है, यहाँ पर पार्क भी है, यहाँ पर स्विमिंग पूल भी है, तो बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ पर कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें ऐड करेंगे, लेकिन ध्यान दें 25 से 30 शब्द होने चाहिए। उसके बाद देखो, आपके एक ट्रैवल एजेंसी है, बाउंड्री आप करेंगे सबसे पहले, ट्रैवल एजेंसी है तो एक गाड़ी आप बना सकते हैं वहाँ पर, और वहाँ पे आप लिखेंगे कि आपको अच्छे गाइड के साथ दुनिया के हर एक कोने में, या दिल्ली के, सॉरी दुनिया तो नहीं, लेकिन दिल्ली के हर एक कोने में आपको वहाँ पर घुमाया जाएगा बड़े सस्ते दामों में, और अच्छे से बिल्कुल घर जैसा आपको माहौल मिलेगा, अच्छा गाइड मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर लिख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करें। धन्यवाद।